मामला छाता का है, जहां जस्सी नामक किन्नर ने नामजद दबंगों पर छेड़छाड़, अभद्रता, मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित जस्सी किन्नर ने बताया है कि 21 अगस्त 2021 को भारती नामक व्यक्ति ने मुझे बुलाया, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, छेड़छाड़ करने लगा और मुझ पर संबंध बनाने का दबाव डालने लगा, तो मैंने मना किया तो मेरे साथ मारपीट की और भारती और कंचन उर्फ कमल किशोर ने तमंचा और गांजे के आरोप में फंसा कर जेल भेजने की धमकी भी दी, जिसकी तहरीर पीड़ित द्वारा थाना कोसीकला में दी गई, जिसमें जांच कर पुलिस द्वारा 354, 341 और 506 धारा में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, जिसके बाद जस्सी पर लगातार राजीनामा के लिए दबाव बनाया गया और फाइल दबंगों द्वारा रुकवा दी गई। अब इस मामले को मगर लगभग एक साल बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और जिसकी सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो भी पीड़िता के पास है, फिर भी पीड़ित दर दर की ठोकरें खाते फिर रही है। परेशान होकर पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा कार्यालय पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पीड़ित किन्नर को निष्पक्ष कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और संबंधित थाने को त्वरित कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। मथुरा से मिश्र शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम जस्सी किन्नर है। आज यहाँ कप्तान साहब के पास आई, किस लिए आई हो? इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने एक थाने में रिपोर्ट की थी, भारती कंचन और उसके संग और लोग भी थे, उन्होंने मेरे घर पे आके 21 तारीख को 8 महीने 2021 को मेरे घर पे आके मुझसे बदतमीजी करी, छेड़खानी करी 10:30 बजे करीब, तो उन्होंने बदतमीजी की, छेड़खानी करी, कह रहे मुझसे या तो संबंध बना। मैंने कहा नहीं, तो ये कह रहा तुझे तेरी गुरु को फंसा दूंगा मैं केस में, 2-4 कारतूस, 2 तमंचे और गांजे में रखवा के जेल भिजवा दूंगा, पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए यार मुझे धमकी दुआता है जान से मारने की, इससे मुझे खतरा अपने जान माल कर, अब भी मुझे परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है भारती भाई कंचन और भी लोग हैं, मुझे धमकियाँ दे रहे हैं। क्या थाने में कोई कंप्लेंट नहीं करी थी आपने? थाने में मैंने कंप्लेंट की थी तो पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की थी मेरी। कप्तान साहब के पास आई, कप्तान साहब ने क्या कहा? कप्तान साहब ने कहा है कि चलो तुम्हारा करवाते हैं, सुनवाई होगी तुम्हारी, कप्तान साहब ने मुझसे ये कहा है। मैं चाहती हूँ सरकार से गुजारिश करते हैं कि मेरी सहायता की जाए इन लोगों से, मेरी जान का बहुत बहुत खतरा है इन लोगों से, भारती कंचन और भी लोग हैं इनके संग, मुझे अपने जान माल का खतरा है, मैं रहती हूँ छाता में जी।